हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और हम आए हैं सांची के म्यूज़ियम में। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये म्यूज़ियम बनाया गया है, तो चलिए दिखाते हैं आपको यहाँ पे क्या क्या है। हम लोग पहले बढ़ते हैं सर जॉन मार्शल के हाउस की तरफ, और वो है उनका हाउस। तो सर जॉन मार्शल आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने यहाँ का जो है खोज की है, और ये उनका घर जहाँ वो रहते थे। ये है उनका स्मृति भवन जहाँ वो रहते थे, और ये पूरा क्लोज्ड है क्योंकि यहाँ पे उनकी आत्मा रहती है ऐसा बताया जा रहा है। कभी खुलता, ये कभी खुलता नहीं है क्योंकि कहते हैं कि अभी भी उनकी आत्मा यहाँ पे टहलती रहती है। थोड़ा भूतिया हाउस है, हॉन्टेड हाउस। एकदम पुराने पत्थरों वगैरह का बना हुआ है ये घर, काफ़ी यूनिक लग रहा है। पुराने टाइम का घर है और कितना बेहतरीन इसका स्ट्रक्चर है, एकदम बंगलो टाइप का है। ये है वो म्यूज़ियम जहाँ पे बहुत सारे सामान रखे होंगे खोज के। चलिए देखते हैं। तो अभी हम खड़े हैं सांची स्तूपा के पास, पीछे आप मेरे देख सकते हैं। यहाँ का जो मेन पॉइंट है वो यही है। चलिए दिखाते हैं आपको। तो यहाँ की हिस्ट्री लिखी हुई है कि इसका निर्माण करवाया था अशोक ने, सम्राट अशोक ने, जो बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। यहाँ पे पूरी हिस्ट्री है। काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं और ख़ासकर यहाँ पर बौद्धिस्ट ज़्यादा आते हैं, बुद्ध धर्म के लोग, क्योंकि ये जगह वहीं से उनसे ही ज़्यादा रिलेट करती है। इसके चारों ओर ऐसा ही गेट बना हुआ है, चारों दिशाओं में सेम स्ट्रक्चर है इसका। यहाँ पर जो गेट बने हुए हैं उनके बारे में डिटेल्स हैं। ये पुराने टाइम का मंदिर है। यहाँ पे तीन स्तूपा हैं, स्तूपा 1, 2 और पीछे इधर 3। तो अभी ये हम लोगों ने पूरा विजिट कर लिया है, अब हम लोग चल रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो चलते हैं, लेट्स गो।